देखिए, तो क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन आज का लेते हैं। क्वेश्चन है, इफ बी इज द एडजॉइंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए। क्वेश्चन लिखिए, यदि बी जो है वो किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का एडजॉइंट है। मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ, इफ बी इज द एडजॉइंट, इफ बी इज द एडजॉइंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए, मतलब बी जो है किसी मैट्रिक्स ए का स्क्वायर है, और अगर इफ के की वैल्यू नॉट इक्वल टू ज़ीरो, के की जो वैल्यू है नॉट इक्वल टू ज़ीरो जो है वो डिटर्मिनेंट है, इज डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ऑफ ए, तो आपका बताना है कि ए इंटू बी जो है वो किसके इक्वल होगा। आपका बताना है कि ए इंटू बी जो है वो किसके इक्वल होगा, ए इंटू बी किसके इक्वल होगा। चलिए, ए इंटू बी किसके इक्वल होगा, ऑप्शन नंबर ए है आई के, ऑप्शन नंबर बी है के आई के, ऑप्शन नंबर सी है के स्क्वायर आई के, और ऑप्शन नंबर डी है आई बाई के। चलिए, चार ऑप्शंस हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चंस हैं, बताइए कैसे करें। बी ऑप्शन होना चाहिए लगभग, क्या कह रहे हैं सर? बी ऑप्शन सर, बी ऑप्शन के आई के। चलिए देखते हैं इसका सोल्यूशन, बहुत ही सिंपल है। देखिए, इसका सोल्यूशन यदि बात की जाए तो काफ़ी सिंपल इसका सोल्यूशन है। आपसे कहा गया है कि अगर बी जो है वो इज एडजॉइंट ऑफ ए, चलो इधर से, तो देखिए ए एडजॉइंट ऑफ ए जो है वो बी के इक्वल है, ये दिया गया है। ओके, और आपसे कह रहा है ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए, एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू बी दिया गया है, और आपसे पूछा जा रहा है कि डिटर्मिनेंट, तो ए इंटू बी का मान क्या होगा। तो ए इंटू बी, ए इंटू बी, तो ध्यान से देखिए बी क्या है, एडजॉइंट ए है, सो ये क्या बन जाएगा, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए बन जाएगा, और हम जानते कि ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए होता है इक्वल टू मॉड ऑफ ए इंटू आई, डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू दी गई है के, तो के इंटू आई इज़ द करेक्ट आंसर, इसका सही आंसर है के आई। ठीक है सर, आगे चलें, क्लियर है सभी को? नेक्स्ट, हाँ जी सर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आपके पास एक सारणिक में दे रहा हूँ, डेल्टा इज इक्वल्स टू, ये सारणिक है, वन माइनस अल्फा, अल्फा माइनस अल्फा स्क्वायर, ओके अल्फा स्क्वायर, देन वन माइनस बीटा, बीटा माइनस बीटा स्क्वायर एंड देन बीटा स्क्वायर, एंड वन माइनस गामा, गामा माइनस गामा स्क्वायर और गामा स्क्वायर। आपसे पूछा जा रहा है इसका मान जो है किसके इक्वल है। इसके कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, ओके ऑप्शंस लिखने की उतनी कुछ खास ज़रूरत नहीं है, आपको बताना है कि जो इसका मान है वो किसके इक्वल है। चलिए करिए सॉल्व इसको। ऑप्शन में एक दो दिए देता हूँ, अल्फ़ा माइनस बीटा, बीटा माइनस गामा, गामा माइनस अल्फ़ा, बी ऑप्शन आपका है अल्फ़ा माइनस बीटा, बीटा माइनस गामा, और ये अल्फ़ा माइनस गामा, सी ऑप्शन है आपका तीनों शुरू के ये वाले, अल्फ़ा माइनस बीटा, बीटा माइनस गामा एंड गामा माइनस अल्फ़ा एंड साथ में अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा एंड डी ऑप्शन है नॉन ऑफ दीज। बोलिए सर, बताइए सर कैसे करेंगे। हाँ सूरज सर कुछ कह रहे हैं। हाँ हाँ सर, ये पूरा का पूरा वन 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 अल्फा बीटा गामा, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर इतना ही बचेगा। तो आपका कहना है वन 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 अल्फा माइनस, देखिए सर ऐसा क्वेश्चन यदि है, इस टाइप का क्वेश्चन है, क्योंकि दो दो पार्ट, ये जो क्वेश्चन है इसमें कॉलम में दो दो एंट्रीज हैं, बाद वाले में तो एक ही है, तो ऐसा करने के लिए क्या करते हैं हम, इनको कांस्टेंट समझ लेते हैं और इसको ओपन कर देते हैं। तो पहले वाले को ओपन करिए, तो वन वन वन, ओके
और देन इसके बाद में ये हो जाएगा वन वन ऑप्शन वन नंबर वन करेक्ट होगा सर। अल्फा माइनस बीटा, बीटा माइनस गामा, गामा माइनस अल्फा। यस सर, बिल्कुल सही जवाब है सर आपका। अगर कोई शॉर्ट बिल्कुल मेथड आपके पास आ रही हो तो प्लीज़ बताइएगा सभी से। पहले इसका लॉन्ग मेथड मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे करते हैं। वन माइनस वन अल्फा माइनस अल्फा स्क्वायर, बीटा माइनस बीटा स्क्वायर, गामा माइनस गामा स्क्वायर, और अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर। एक तो ये हो गया, और यहाँ पे इसके बाद में ओके, इसके बाद में देखिए जो आएगा अपने पास में माइनस लगा हुआ है, तो माइनस मैंने कॉमन ले लिया, ये माइनस बाहर ले लिया, और ये हो जाएगा अल्फ़ा बीटा गामा, और अल्फ़ा माइनस अल्फा स्क्वायर, बीटा माइनस बीटा स्क्वायर। हाँ सर, शॉर्ट मेथड सर अल्फा इक्वल टू टू, बीटा इक्वल टू थ्री, गामा इक्वल टू फोर लेके हो जाए तो ठीक रहेगा सर। वो रख सकते हैं बन, मगर वन नहीं ले सकते, वन नहीं लेंगे क्योंकि वहाँ जीरो हो जाएगा, तो वन न रख के टू थ्री फोर रख देते हैं, शॉर्ट हो जाएगा। ठीक है सर, इससे देखिए इतना ये इससे भी कुछ खास बड़ा नहीं जा रहा है सर, इसलिए मैंने आपको हाँ, इससे भी नहीं है। जाएगा। देखिए सर यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि अगर आप इसमें इसको ऐड कर देंगे, है ना, या इसको ऐड कर दीजिए सर इसमें दोनों में, तो अल्फा बीटा गामा बन जाएगा, तो ये हो गया जीरो, ठीक ना। और अगर आप इसमें इसको ऐड कर दें, यदि इसको ऐड कर देते हैं, तो मैंने आपको ये शॉर्ट ट्रिक रटवा रखी है, वन वन वन, ये हो गया अल्फ़ा बीटा गामा, और ये हो गया अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर। तो इसको मैंने डायरेक्टली इसका रिजल्ट बता रखा है, अल्फ़ा माइनस बीटा, बीटा माइनस गामा, और गामा माइनस अल्फ़ा। तो ये हो गया सर इसका आंसर। और बाकी सर आपने जो कहा कि अल्फ़ा इक्वल टू टू ले लीजिए, बीटा इक्वल टू थ्री ले लीजिए, गामा इक्वल टू फोर ले लीजिए, तो वो भी कर सकते हैं सर, उसमें भी कोई गलत नहीं है, वो भी सही आ जाएगा इससे। चलिए, तो सभी को समझ में आ गया कैसे करना है इसको डिटेल में, क्लियर है, आगे बढ़े। ओके सर, ओके ओके, ओके। चलिए सर, चलिए देखते हैं नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन इंटीग्रेशन से ले रहे हैं हम लोग, इंटीग्रेशन आई एग्जाम में आया हुआ, बहुत बार ये क्वेश्चन आया हुआ है, इंटीग्रेशन ऑफ टेन एक्स डिवाइडेड बाई अंडर रूट टेन एक्स अपॉन साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का डी एक्स। तो बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, बताइए कैसे करेंगे इसको, कोई बता सकता है सभी? एनसीईआरटी का क्वेश्चन है सर ये। बिल्कुल सर, एनसीईआरटी का बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। कॉस स्क्वायर एक्स का ऊपर और नीचे डिवाइड कर देते हैं इसमें हम, कॉस स्क्वायर एक्स का ऊपर डिवाइड और कॉस स्क्वायर एक्स का नीचे, तो ये बन जाता है रूट ऑफ टेन एक्स मल्टीप्लाई में सेक स्क्वायर एक्स और डिवाइडेड में साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स जो हो जाता है, क्या हो जाता है, टेन एक्स, और एक कॉस एक्स से एक कॉस एक्स कैंसिल हो जाएगा डी एक्स। तो आई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन, ऊपर आ गया सेक स्क्वायर एक्स और नीचे आ गया अंडर रूट टेन एक्स का डी एक्स। अब आप टेन एक्स को टी सपोज कर लीजिए, तो ये बन जाएगा अपने पास सेक स्क्वायर एक्स डी बन जाएगा डी टी, तो डी टी अपॉन अंडर रूट टी, ठीक है ना। तो कितना आ जाएगा इसका, ऊपर जा कर के टी की पावर माइनस वन बाई टू का इंटीग्रेशन। बिल्कुल सही सर, टू रूट टी, और टू रूट टी का मतलब टू अंडर रूट टेन एक्स प्लस सी। चलिए, तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, बट ये क्वेश्चन आता है इसलिए मैंने यहाँ पर लिया है। अगले सवाल की तरफ बढ़ें क्या, सभी को क्लियर है, स्क्रीनशॉट लेते रहिए। जी सर। चलिए चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है देखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारे पास इंटीग्रेशन आई इज इक्वल्स टू वन अपॉन वन बाई अंडर रूट साइन क्यूब एक्स इंटू कॉस एक्स का डी एक्स। चलिए करिए, साइन क्यूब एक्स इंटू कॉस एक्स का डी एक्स कैसे करेंगे बताइए सर, क्या करना पड़ेगा सोचिए। नीचे सर साइन पावर फोर एक्स कॉमन ले लीजिए अंडर रूट से। नीचे सर कह रहे हैं साइन की पावर फोर एक्स कॉमन ले लें। अच्छा, यदि हम नीचे से साइन स्क्वायर फोर एक्स कॉमन ले लेंगे हाँ, हाँ,
तो हमें यदि चलिए आप कह रहे हैं कि सर नीचे से साइन की कोसाइन पावर, स्क्वायर है ये मान लीजिए डिवाइड रूट कॉट स्क्वायर भी जाएगा सर। सर ओके सर ठीक है, साइन स्क्वायर 4x यदि कॉमन लेंगे सर हम नीचे से, तो यहाँ से साइन स्क्वायर एक्स कॉमन बाहर निकलेगा और ये हो जाएगा सर टू रूट कॉट एक्स आंसर आ जाएगा इसका। ओके सर टू रूट कॉट एक्स, चलिए सर देखते हैं सर। तो यदि साइन की पावर 4x आपने कॉमन लिया है सर, तो नीचे यहाँ पर जो है एक कॉस एक्स भी जाएगा, क्यों सर जाएगा कि नहीं जाएगा? हाँ, कॉस अपन साइन, ठीक है सर ठीक है। हाँ यहाँ पे एक साइन नीचे जाएगा, साइन एक्स जाएगा, हाँ हमें नीचे साइन एक्स जाएगा, सॉरी सर। तो यहाँ पर अपने पास है आई इज इक्वल टू हो गया, ऊपर हो गया कॉस स्क्वायर एक्स और नीचे कितना हो गया अंडर रूट कॉट एक्स। ठीक है अब कॉट एक्स को टी ले लेंगे, ठीक है तो कॉटेक्स को यदि यहाँ पे हम टी लेते हैं तो हाँ माइनस भी आएगा सर, तो ये डी टी बन जाएगा और ये अपॉन में टी बन जाएगा, मतलब वैसे ही वैसा क्वेश्चन हो गया टी की पावर माइनस वन माइनस भी रहेगा सर, बिल्कुल रहेगा माइनस टी की पावर माइनस वन बाई टू प्लस वन यानी कि वन बाई टू अपॉन वन बाई टू दैट इज इक्वल्स टू माइनस टू टी की पावर वन बाई टू, बोले तो माइनस टू रूट टी, सही है सर? बिल्कुल सर, ठीक है सर माइनस टी रूट कॉट एक्स प्लस सी, तो सही है बिल्कुल इसका आंसर सही है। एक तरीका इसको और करने का है कि आप यदि कॉस की पावर कॉस स्क्वायर एक्स का ऊपर और नीचे डिवाइड कर दें तो भी ये क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है सर? अगर आप कॉस एक्स का ऊपर नीचे डिवाइड कर देते हैं तो भी ये कॉस स्क्वायर एक्स का ऊपर और नीचे डिवाइड कर देंगे ये जो नीचे वाले टर्म में, तो भी आपका आंसर बन जाएगा। चलें सर आगे, एग्री सभी लोग रेडी हैं मित्रों, आगे चलें क्या? यस सर। ओके चलिए चलिए अगले सवाल की शॉर्ट ट्रिक की तरफ चलते हैं, कुछ अच्छे को शॉर्ट ट्रिक लेकर के आए हैं। चलिए बताइए क्वेश्चन है लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो अंडर रूट एक्स प्लस रूट एक्स माइनस रूट एक्स इक्वल्स टू कितना होगा? ऑप्शन ए जीरो, बी माइनस वन, सी वन बाई टू, डी प्लस वन, बताइए। जीरो ही होना चाहिए सर आंसर, तो कितना सर जीरो आना चाहिए लेकिन कोई मेथड ही नहीं लग रहा है इसीलिए आइडिया नहीं सर, कंफर्म नहीं है। अच्छा आप ही करके बताइए सर। चलिए सर मैं इसका सलूशन सर इसको रेशनलाइजेशन से करना पड़ेगा, मैं आप लोग को यहाँ पर इसकी ट्रिक बताता हूँ सर कि चलिए ये क्वेश्चन है एक उसके सर, हाँ सर बताइए इसका आंसर बना रहा है क्या? नहीं सर इसका आंसर है सर 1/2 और आपके पास ट्रिक है सर कि यदि कोई भी क्वेश्चन है इसमें अगर रूट फाइनाइट है, ये रूट्स की संख्या इनफाइनाइट नहीं है, एक है दो है तीन है चार है दस है, ओके तो अगर आपके पास में कोई भी रूट है सर दो से ज़्यादा में तो आपको इसका आंसर कुछ भी नहीं है सीधे 1/2 देना है। सर लिख लें क्वेश्चन लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, अगला क्वेश्चन लिखिए आप अंडर रूट एक्स, सर ये सॉल्व कैसे होगा जरा बताइए, रूट एक्स प्लस रूट एक्स प्लस रूट एक्स, ठीक है सर और यहाँ पे बाद में बाहर है माइनस रूट एक्स, देख लीजिए इसका आंसर है 1/2। सर सर जो पहला वाला है सर इसका आंसर जीरो होगा, पहले जीरो ही होना चाहिए सर, पहले वाले का आंसर हाँ, जीरो होगा रखिए सर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है सर उस पे, जीरो माइनस जीरो आ रहा है तो जीरो आना चाहिए सर। सर ऐसे तो सर सभी में कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, मगर ये मैंने सर एक बुक से उठाया है ये शॉर्ट रिजल्ट मैंने, ठीक है ना?
कि अगर फाइनाइट टाइम्स एक्स की वैल्यू है तो ये जो वैल्यू होती है 1/2 आती है सर। इसमें सर कुछ और प्लस माइनस नहीं, नहीं सर, रिजल्ट तो यही है सर, ये रिजल्ट यही है। मैं आपको डिवाइड में सर है क्या कुछ इसके? चलिए मैं आपको स्क्रीनशॉट भेज दूंगा सर, आप देख लीजिएगा। हैं सर? हाँ हाँ सर बिल्कुल सर। ऊपर वाला जो आपने क्वेश्चन दिया था, हाँ, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 अंडर रूट एक्स माइनस अंडर रूट एक्स, इसको रैशनलाइज अगर करें तो रैशनलाइज करके भी तो कर सकते हैं। हाँ मैं कह रहा हूँ ना, रैशनलाइज करके कर सकते हैं, परंतु ये क्वेश्चन एनवीएस में पूछा सर, रैशनलाइज की इसमें जरूरत नहीं है, उससे तो नॉट डिफाइन आ जाएगा, डिनोमिनेटर में एक्स आने पे जीरो हो जाएगा आंसर, नॉट डिफाइन हो जाएगा वो सर। तो रैशनलाइज तो हम डिनोमिनेटर से स्क्वायर रूट खत्म करने के लिए करते हैं, इसमें रैशनलाइज नहीं, जरूरत ही नहीं है सर इसमें। गुरु जी सर जी हम भी बताएंगे कुछ। बिल्कुल बोलिए सर। एग्जैक्टली सर, यहाँ पे इनफाइनाइट होगा है ना, ये मैंने जीरो ध्यान नहीं दिया था, ये इनफाइनाइट करने पे ही, इनफाइनाइट करने पे ही। तो ये नोट कर लीजिए आप सभी लोग कि अगर कोई भी क्वेश्चन इस तरीके का है और अगर उसमें आपके पास अगर ये इनफाइनाइट लिमिट तक जा रहा है, और उसमें याद रखिएगा कि ये फाइनाइट टर्म होंगे, दो होंगे, चार होंगे, पांच होंगे, है ना, तो इसका आंसर जो होगा हमेशा 1/2 होगा। नोट कर लीजिए, ये नवोदय विद्यालय संगठन का पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है ना, और बाहर माइनस रूट एक्स रखिएगा, ऐसा कुछ भी है तो आंसर 1/2 आएगा, ठीक है ना। ट्रिक ये है कि अगर एक्स फाइनाइट है, एक्स के नंबर जो हैं फाइनाइट है, तो हमेशा इस तरीके से आंसर इसका 1/√2 आएगा, सॉरी 1/2। इसको एग्जांपल, हाँ सर बोलिए, इसका कोई सोल्यूशन मिलेगा, कैसे सॉल्व करेंगे सर? राइट नाउ अभी मैंने इसको, हाँ हाँ बिल्कुल रैशनलाइज कर लीजिए। जी सर, तो यदि आप इसको रैशनलाइज कर लेंगे तो इसका सोल्यूशन आ जाएगा। राइट नाउ मैंने प्रिपेयर अभी करा नहीं है इसको, तो मैं इस पर अभी सोल्यूशन पे नहीं जाऊंगा। ओके सर, मैं जो कलेक्शन लेके आया हूं मैं उसको पहले करवा देता हूं, फिर इसका सोल्यूशन मैं आपको ग्रुप में भेज दूंगा। ओके सर, तो याद रखिएगा कि अगर बिगर रूट के अंदर लिमिट एक्सटेंड्स टू इन्फिनिटी है और आपके पास कितने भी रूट एक्स प्लस रूट एक्स प्लस रूट के अंदर रूट भरे हुए हैं, आपका आंसर हमेशा 1/2 आएगा। बस यही इस क्वेश्चन में है और कुछ नहीं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन DSSSB एग्जामिनेशन का, UPPGT एग्जामिनेशन का है। क्वेश्चन है लिमिट n टेंस टू इन्फाइनाइट, ओके, n log n plus 1 माइनस log ऑफ n, यस, तो इसका वैल्यू क्या होगा? n log n plus 1 माइनस log ऑफ n का वैल्यू क्या होगा? इसमें एक ट्रिक लगनी है, एक मतलब फार्मूला लगना है, वो फार्मूला मैं आप लोग को बता देता हूँ। फार्मूला होता है लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1 अपॉन x होल टू द पावर x इक्वल्स टू e, ये फार्मूला लगना है। अब चलिए सॉल्व कीजिए। ई आना चाहिए आएगा, ई आएगा, ई ही आएगा सर। ओके, लॉग एन प्लस वन डिवाइड बाय एन, कंडीशन बन जाएगा एन अपर साइड पहुंच जाएगा, ई आएगा। चलिए सॉल्व करते हैं, ई आ रहा है। ओके सर, सॉल्व करते हैं। देखिए सर, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी, यदि इसको हम सॉल्व करते हैं एन कॉमन लेकर के, तो ये बन जाएगा लॉग ऑफ एन प्लस वन अपॉन में एन, ठीक है सर। और आपको पता होगा सर, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी, लॉग जो होता है, लिमिट अंदर घुस जाती है लॉग के, तो लॉग बाहर हो गया और ये हो गया लॉग के अंदर, लिमिट चली जाएगी। फिलहाल इसको लिखता हूँ 1 plus 1 by n, n बाहर बैठा होल अपॉन 1 by n। तो देखिए सर, सर मंकी पिक भी लग रही है इसमें, हाँ वो भी लग सकती है, 1 plus 1 by n की होल पावर एन हो गया। बताता हूँ लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी। अब ये देखिए, जो ये टर्म है ये यहाँ पे आ जाएगा
और लॉग बाहर बैठ के वेट करेगा, लॉग लिमिट n टेंस टू, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, ओके, और 1 प्लस 1 बाई n की होल पावर n। तो ये देखिए इतना जो टर्म होता है मैंने बताया, ये क्या होता है, e होता है ना, तो क्या हो गया log ऑफ e, आंसर होगा इसका 1। ठीक है, बिल्कुल सर। हाँ तो सभी लोग आई थिंक e कह रहे थे, log आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया होगा, log ऑफ e इक्वल टू 1 हो जाएगा। क्लियर है सर? जी सर। चलिए अब मैं अगला सवाल आप लोगों से पूछना चाहता हूँ कि इनडिटर्मिनेट फॉर्म कौन कौन से होते हैं, इनडिटर्मिनेट फॉर्म कौन कौन से होते हैं। तो बहुत लोग को याद है 0.0 इनडिटर्मिनेट फॉर्म होते हैं सर। हाँ सर, कौन कौन से? दो तो मैंने लिख दिए, 1 का पावर इन्फिनिटी भी लिख दिया, बिल्कुल सही सर, इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट, इनफाइनाइट की पावर 0, इनफाइनाइट की पावर 0, 0 की पावर 0, 0 का पावर 0, 0 गुणे इनफाइनाइट, 0 इनटू इनफाइनाइट, देखिए बिल्कुल सही है। तो ये चार तो बड़े इजी है सर। हाँ तो एक बार क्वेश्चन में पूछा गया था एग्जाम में कि इसमें से कौन सा इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं है, और एक ऑप्शन में था इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट। तो याद रखिएगा इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं होता है, बाकी 0/0 इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, इनफाइनाइट बटा इनफाइनाइट है, 1 की पावर इनफाइनाइट है, 0 इंटू इनफाइनाइट है, ठीक है ना, 0 की पावर 0 है और इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट है। इनके इन फॉर्म्स को सॉल्व करने के लिए हम लिमिट के कंसेप्ट का यूज़ करते हैं, एक्चुअली लिमिट का कंसेप्ट आया ही इन्हीं के लिए है। चलिए अगले क्वेश्चन की तैयार, रेडी? पिछला क्वेश्चन समझ में आ गया, नोट कर लिए सबने, कोई दिक्कत तो नहीं क्या? हाँ सर आ गया समझ में, आ गया समझ में। ओके चलिए अगला क्वेश्चन देखिए मित्रों, क्वेश्चन है लिमिट x टेंड्स टू 0, अगला क्वेश्चन है लिमिट x टेंड्स टू 0, 1/x² माइनस 1/sin² x की वैल्यू फाइंड कीजिए। ऑप्शन ए है 1/2, बी है -1/3, सी है 0 या डी है नन। चलिए फाइंड करिए। अभी देखिए यदि आप इसमें पुट कर देते हैं तो ये इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट की स्ट्रक्चर बन रही है, मतलब ये अनडिटर्मिनेट है, तो आपको कैसे सॉल्व करना पड़ेगा, करिए। जीरो आंसर आएगा सर इसका? जीरो आंसर। चलिए सर एक आंसर तो बता दिया आपने जीरो, बाकी लोग बताएं। चलिए देखिए मित्रों, इसका सही आंसर है -1/3। यदि आप लोगों ने कर लिया हो तो इसको इस तरीके से करेंगे, देखिए 1/x², सबसे पहले एलसीएम ले लीजिए, sin² x माइनस x² / x² sin² x, यहाँ भी ये सिंप्लीफाई नहीं हो रहा है, तो sin² x को हटाने के लिए sin² x / x² किया, तो x² का मल्टीप्लाई करेंगे, अब ये बन जाएगा 1, तो इसको डायरेक्टली मैं 1 हटा देता हूँ इसको लिख करके। अब देखिए नीचे बन गई है x की पावर 4, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x + x के नीचे x दे दीजिए, और sin x - x के नीचे आप x की पावर 3 दे दीजिए। ओके x की पावर आपने 3 दे दिया है। अब देखिए यहाँ पे यदि इसको आप पहले पार्ट को ओपन करते हैं, इस वाले पार्ट को, तो sin x / x कितना हो जाएगा 1, और ये भी हो गया 1, मतलब 2 बाहर आ जाएगा। बोलिए सर समझ में आया कि नहीं आया? लिमिट x टेंड्स टू 0, ये हो गया -2/3। चलिए सर चेक कर लेते हैं। हाँ सर -2/3, मैंने ऑप्शन गलत लिखा है, -2/3 2 लिखना भूल गया था। sin x / x + सर x / x हो गया, और ये बच गया sin x - x / x³। ठीक है,
तो ये हमारे पास बच गया है साइन एक्स माइनस एक्स अपॉन एक्स क्यूब। अब इसमें सर सीरीज ओपन कर दीजिए सर, साइन एक्स वाली साइन एक्स माइनस एक्स क्यूब अपॉन थ्री। ठीक है सर, तो देखिए ये तो बन गया वन और ये बन गया वन, तो टू बाहर आ गया। टू, अब लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो साइन एक्स माइनस एक्स अपॉन एक्स क्यूब के लिए दो रास्ते हैं आपके पास में, क्योंकि जीरो अपॉन जीरो की फॉर्मेट बन रही है, तो या तो आप एल हॉस्पिटल भी लगा सकते हैं या आप सीरीज ओपन कर सकते हैं, दोनों आपके पास रास्ते उपलब्ध हैं। सीरीज ओपन करना सर बड़ा इजी है। चलिए सीरीज ओपन कर देते हैं, तो सर ने कहा सीरीज ओपन करिए एक्स माइनस एक्स क्यूब अपॉन थ्री, है ना, बस 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 इससे ज्यादा नहीं, माइनस एक्स करिए। ठीक है सर, फैक्टोरियल थ्री रहता कि थ्री रहता शायद, है ना सर? अरे थ्री रहता है सर, थ्री। ठीक है, माइनस एक्स कर दिया और नीचे एक्स क्यूब है, तो x से x कैंसिल हो गया, x क्यूब कैंसिल हो जाएगा, बाकी सब जीरो बन जाएंगे। सर ये नीचे नीचे सर नीचे सर फैक्टोरियल 3 रहता है, आई थिंक सर। नीचे फैक्टोरियल 3 रहता है क्या सर? नीचे फैक्टोरियल 3, एक मिनट सर सीरीज देखने दीजिए मुझे, क्योंकि अगर नीचे फैक्टोरियल 3 रहता है तो आंसर फिर -1/3 आएगा, -1/3 ही आएगा फिर आंसर। एक मिनट सर, ये माइक म्यूट कर लीजिए जिन सर का, श्रद्धा मैडम का। अच्छा ठीक है, एक मिनट सर, यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हुआ है। फैक्टोरियल रहेगा सर? ओके सर, हाँ देखिए यहाँ पे फैक्टोरियल फैक्टोरियल थ्री है, राइट। तो सर वो यस, तो टू मल्टीप्लाइड बाई फैक्टोरियल थ्री यदि आ जाएगा सर, तो 1/6 हो जाएगा और माइनस का, तो करेक्ट आंसर इसका -1/3 है, नोट कर लीजिए। -1/3 इज द करेक्ट आंसर। फैक्टोरियल होता है सर, है इसमें? हाँ हाँ होता है सर, एक्सपोनेंशियल से ही सर निकाला था ना, यूलर फार्मूला जो है। केवल लॉग में नहीं होता फैक्टोरियल सर, है ना? लॉग की सीरीज में लॉग में नहीं होता, बाकी में होता। तो आई होप सबको क्लियर हो गया, किसी कोई प्रॉब्लम? और आप चाहें तो एल हॉस्पिटल भी लगा सकते हैं, यदि पर्टिकुलरली मैं इस टर्म की बात करूं जिसको मैं सॉल्व कर रहा था, एल हॉस्पिटल से भी देख लें, तो अपने पास टर्म क्या बचा है, टू बाहर आया है, ओके, और ब्रैकेट में है साइन एक्स माइनस एक्स अपॉन एक्स का क्यूब, आई थिंक यही था टर्म, हाँ यही है। तो टू साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है कॉस एक्स माइनस वन अपॉन एक्स क्यूब का हो जाएगा 3x2। एक बार फिर से इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, टू कॉस का हो जाएगा माइनस साइन एक्स, वन का हो गया 0 और ये हो गया माइनस का 6x। तो साइन एक्स अपॉन एक्स हो गया अपने पास 1 और माइनस 2/6 दैट इज इक्वल टू -1/3, करेक्ट इसका आंसर। ठीक है सर, मैंने ऐसे ही किया था सर एल हॉस्पिटल लेके। चलें सर आगे अगला क्वेश्चन की तरफ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है बहुत ही सिंपल है, लिमिट आपने बहुत बार किया होगा ये क्वेश्चन, लिमिट x टेंड्स टू 2 x की पावर n माइनस 2 की पावर n अपॉन x माइनस 2 इक्वल्स टू अगर 80 है तो n का मान बताइए क्या होगा। बहुत ही सिंपल, 2 के पावर n माइनस 5 आएगा सर। हाँ रटा हुआ को बिल्कुल आंसर है, 5 आएगा। देखिए इसको करने के लिए अपने पास है n a की पावर n माइनस 1, 2 इंटू n 2 की पावर n माइनस 1 है, और ऐसा कुछ लिखे कि 2 के टर्म्स में आ जाए, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 5×16। ओके तो ये हो गया 5, और 16 को क्या मैं 2 की पावर 5 माइनस 1 लिख सकता हूँ? बेशक लिख सकता हूँ। तो तुलना करने पर n किसके जैसे हो गया, 5 के जैसे हो गया, तो करेक्ट आंसर हो गया n इक्वल्स टू 5। चलिए अगले, तो क्लियर है सभी को, आगे चलें, क्लियर है? यस सर जी। चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ऊपर एल हॉस्पिटल से लगाया ना सर? एल हॉस्पिटल नहीं, इसका डायरेक्ट फार्मूला होता है, एल हॉस्पिटल भी लगा लेंगे तो वही बनेगा, कोई भी। वैसे डायरेक्ट फार्मूला होता है, लिख लीजिए उसका डायरेक्ट फार्मूला, लिमिट x टेंड्स टू a x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस a दैट इज इक्वल्स टू n a की पावर n माइनस 1। एल हॉस्पिटल से भी लगाएंगे तो यही बनेगा। चले आएंगे सर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए मित्रों। अगला क्वेश्चन है लिमिट x टेंड्स टू 0 अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में x
बताइए इसका ऑप्शन, इसका मान क्या होगा? ऑप्शन ए वन, वन बी वन बाई टू, सी जीरो, डी माइनस वन। चलिए सर बताइए प्लीज़ इसका आंसर क्या होगा? सर जीरो आंसर आएगा। जीरो आंसर सॉल्व कर, हाँ सर जीरो आंसर सॉल्व कर लिया आपने? कंफर्म जीरो है सर। हाँ सर जीरो है। रैशनलाइज कर देंगे, रैशनलाइज कर देंगे ना सर। हाँ हाँ तो अपर साइड आएगा 2x² डिवाइडेड बाय x से x कट जाएगा, अपर साइड 2x बचेगा ना। हाँ सर जीरो ही आएगा। जीरो आएगा। अच्छा मित्रों मैं, ठीक है मैं इसकी आपको शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ, आपको मैं बहुत अच्छी शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ। ऐसा क्वेश्चन कोई भी आ जाए उसकी जबरदस्त शॉर्ट ट्रिक मैं बता रहा हूँ। आपने पढ़ा होगा कि 1 प्लस एक्स की पावर एन बराबर होता है 1 प्लस एन एक्स। कब? जब एक्स की वैल्यू बहुत ही कम होती है, जब एक्स इज़ वेरी वेरी स्मॉल। ओके तो भैया एक्स टेंड टू जीरो से जीरो जा रहा है, मतलब एक्स बहुत ही छोटा है, तो यहाँ पर वो फॉर्मूला लग जाएगा। तो देखिए शॉर्ट ट्रिक क्या बनेगी, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, इसे आप लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 1 बाई टू माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1 बाई टू, और अपॉन में कितना है x है। तो यहाँ पे ये आइडेंटिटी आप लगा दीजिए तो ये बन जाएगा 1 प्लस हाफ एक्स स्क्वायर और माइनस 1 माइनस हाफ एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स। तो इसको ओपन कर दीजिए तो क्या जाएगा 1 प्लस हाफ एक्स स्क्वायर और माइनस 1 प्लस हाफ एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स। ये एक्स हो गया, हाफ वन से वन कैंसिल हो गया, हाफ एक्स स्क्वायर हो गया पूरा एक्स स्क्वायर अपॉन में एक्स, एक से एक्स से एक्स कैंसिल और एक्स आ गया लिमिट लगाने पर जीरो आ जाएगा। जब आप रेशनलाइज भी करेंगे तो आपको यही मिलेगा। ठीक है क्लियर हो गया? जी सर क्लियर है। चलिए अगले सेगमेंट की तरफ चलते हैं। अगली शॉर्ट ट्रिक लिखिए, ट्रिक टू आइडेंटिफाई द कोनिक, ट्रिक टू आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ कोनिक। कोनिक देखिए एक आप ट्रिक जानते होंगे, वो इक्वेशन जो होता है ए एक्स स्क्वायर, सेकेंड ऑर्डर इक्वेशन, जनरल इक्वेशन, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो। बड़ी खतरनाक सी ट्रिक हुआ करती है। सबसे पहले आपको डिस्क्रिमिनेंट निकालना पड़ता है, फिर एच स्क्वायर माइनस ए बी निकालना पड़ता है ना। अगर डिस्क्रिमिनेंट डिस्क्रिमिनेंट अगर इक्वल टू नॉट इक्वल टू जीरो आ जाता है तो पेयर इक्वल टू जीरो आ जाता है तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन बनती है, अदरवाइज आपका कोनिक बनता है। कोनिक में फिर एच स्क्वायर माइनस ए बी वाले केसेस होते हैं। ये सब आपको कुछ भी नहीं करना है, इससे बढ़िया आपको मैं शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ। सबसे पहले आप क्या करिए, क्वेश्चन का जनरल फॉर्म देखिए। जनरल फॉर्म अब से आपका ये होगा, अब जो है आपका ट्रिक के लिए जनरल फॉर्म ये है। जनरल फॉर्म नोट कर लीजिए, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स वाई, ओके, मतलब टू एच एक्स वाई जो है बी एक्स वाई प्लस सी वाई स्क्वायर, सी वाई स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई वाई प्लस एफ इक्वल टू जीरो। ये आपके पास इक्वेशन हो गया, तो x का भी टर्म आ गया, y का भी टर्म आ गया। अब यहाँ पर जो आपका डिस्क्रिमिनेंट है वो है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, वही वाला डिस्क्रिमिनेंट है। तो a क्या है एक्स स्क्वायर का टर्म, b क्या है एक्स वाई का टर्म, यानी कि 2h को ही अपन ने b बोल दिया, और c क्या है वाई स्क्वायर का टर्म। तो तीन चीज़ें आ गई हैं, तो आप d निकालिए। d कितना निकलेगा, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। अब देखिए d के क्या पॉसिबिलिटी पॉसिबल हैं, d मतलब बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी की क्या क्या पॉसिबिलिटी हैं। आइदर d हो सकता है लेस देन जीरो हो गया, दूसरा d हो सकता है इक्वल टू जीरो हो गया, तीसरा d हो सकता है ग्रेटर देन जीरो हो गया। ओके अब d लेस देन जीरो के दो केसेस बनाइए। पहला कि क्या b इक्वल टू जीरो है, ओके, एंड ए इक्वल टू सी है। अगर बी इक्वल टू जीरो है और ए इक्वल टू सी है, इसका मतलब ये रिप्रेजेंट करेगा सर्कल को, ये रिप्रेजेंट करेगा किसको, सर्कल को, ठीक है। सेकंड, सेकंड है बी इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो,
बी इज नॉट इक्वल टू जीरो, बी जीरो के इक्वल ना हो पहली शर्त, और बी जो है वो जीरो के इक्वल नहीं है, और ए इक्वल टू सी, मतलब पहली कंपलसरी शर्त है कि बी जीरो के इक्वल नहीं है, है ना, बी जीरो के इक्वल नहीं है और ए इक्वल टू सी है, तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, एलिप्स को। डी इक्वल टू जीरो होने पर ये पैराबोला को रिप्रेजेंट करेगा, और डी ग्रेटर देन जीरो होने पर ये हाइपरबोला को रिप्रेजेंट करेगा। चलिए तो सभी लोग इस कंडीशन को पहले नोट कर लीजिए, लिख लीजिए ट्रिक टू आइडेंटिफाई द कोनिक। अगर आपके पास कोई कोनिक है तो कोनिक को आइडेंटिफाई करने की ये इस तरीके की कंडीशन है कि किसी कोनिक को आप आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। तो कोनिक का जो आपको इक्वेशन लेना पड़ेगा, सबसे पहले याद रखिएगा वो किस फॉर्म में लेना पड़ेगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स वाई प्लस सी वाई स्क्वायर, ओके, प्लस डी एक्स प्लस ई वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो। हालांकि यहाँ पे हमारे डी ई एफ किसी काम के नहीं है, फिर भी जीरो लेना पड़ेगा। देन इसके बाद आपको डिस्क्रिमिनेंट डिज़ाइन करना पड़ेगा, जिसका नाम वही बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी जो हम पहले पढ़ते आ रहे हैं, और डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। अब d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी की वैल्यूज़ अलग अलग तरीके से होंगी, तो अलग अलग आपके कर्व निकल करके आएंगे, ओके। अगर d लेस देन जीरो है, पहली चीज़ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी लेस देन जीरो है, तो आपके सामने दो पड़ाव आएंगे, एक आपका कि क्या b की वैल्यू जीरो के इक्वल है, और दूसरा कि क्या b की वैल्यू जीरो के इक्वल नहीं है। अगर b की वैल्यू जीरो के इक्वल है और साथ में a इक्वल टू c है, तो यकीनन ये सर्कल बनाएगा, और अगर b की वैल्यू जीरो के इक्वल नहीं है और a इक्वल टू c है, तो ये आपका एलिप्स बनाएगा। और अगर d की वैल्यू इक्वल है जीरो के केवल, d यानी डिस्क्रिमिनेंट, तो ये आपका देगा आपको पैराबोला, और अगर d ग्रेटर देन जीरो है तो आपको देगा ये हाइपरबोला। तो ये इसकी मेन ट्रिक है। अब आइए इस पर एक क्वेश्चन करते हैं, तो आप लोग को समझ में आएगा, और अच्छा क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन है आइडेंटिफाई के लिए टाइप ऑफ कोनिक आपको बताना है कि कैसा कोनिक है। ये नोट कर लिया, आगे बढ़ जाऊँ इसमें मैं, सबने नोट कर लिया? यस सर, यस सर। ओके जी। चलिए तो क्वेश्चन सर, ऐसी कंडीशन में स्ट्रेट लाइन कैसे पता पड़ेगा? क्या सर? वही स्ट्रेट लाइन का कैसे पता पड़ेगा? वही पुराना फॉर्मूला है क्या? हाँ, फिर वही आपको एबीसी माइनस टू एबीसी प्लस टू एफजीएच वाला। हाँ सर, हाँ सर, फिर वही वाला फॉर्मूला, पुराना वाला पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के लिए पुराना वाला फॉर्मूला। ठीक है सर, सपोज दैट सर उसमें स्ट्रेट लाइन की भी कंडीशन है, उसमें ऑप्शन फोर में स्ट्रेट लाइन भी है, पैराबोला भी है, एलिप्स भी है, हाइपरबोला है, तो पहले हो जाएगा? नहीं सर, तो पहले हमको स्ट्रेट लाइन की कंडीशन लगा के देखनी पड़ेगी, है ना, ए बी सी एच जी एफ, एच जी एफ इक्वल टू कैसा, जीरो, जीरो। हाँ, तो ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, सरल रेखा युग्म की कंडीशन ये बनेगी, पहले ये हमको चेक करना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका कोई साइंटिफिक ट्रिक नहीं होगा सर? अभी तक तो नहीं है सर, यदि पढ़ के बताऊंगा, मिल जाएगी तो जरूर बता दूंगा, राइट नाउ अभी मेरे पास उपलब्ध नहीं है, अगर कोई होगी तो मैं जरूर बता दूंगा। ट्रिक पर ट्रिक पर काम चल रहा है सर, बड़े अच्छे से काम चल रहा है ट्रिक पर, है ना, और हर चैप्टर की यथासंभव ट्रिक मैं आप लोग को उपलब्ध करा दूंगा। चलिए सर अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन है 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर माइनस 2x माइनस 6y प्लस 5 इक्वल टू जीरो, ये आपको क्या देगा? तो देखिए यहाँ पर a इक्वल टू 2 है, b इक्वल टू 0 है और c इक्वल टू 2 है, है ना, तो a इक्वल टू 0 है, b इक्वल टू, देखिए b इक्वल टू इक्वल टू माइनस 2 है, c इक्वल टू माइनस 2 है, थैंक यू सर, c की वैल्यू माइनस 2 है। तो सबसे पहली चीज़ ये देखिए कि b इक्वल टू 0 आने से ऐसा लगने लग गया है कि सर्कल बनेगा, क्योंकि मैंने जो ट्रिक बताई थी वो b इक्वल टू 0 और a इक्वल टू c, है ना, वो दोनों कंडीशन यहाँ पे हो रही है, मगर पहली चीज़ है d लेस देन 0 होना चाहिए, तो आइए d निकालना पड़ेगा, और d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, है ना, तो बी स्क्वायर माइनस सी इक्वल टू सर पॉजिटिव 2 होना चाहिए आपके अकॉर्डिंग। हाँ पॉजिटिव,
पॉजिटिव सर मैंने पहले सही लिखा था सर, मैंने फिर बाद में अपने कह दिया सी सर वाई का गुणांक है, मैंने बिल्कुल सही लिखा था सी इक्वल टू प्लस टू ही है ना। देखिए सर वो माइनस टू नहीं है, ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर, भाई एच वाला टर्म है ही नहीं है तो जीरो हो गया वो, है ना सर। सही, हाँ सही लिखा था। तो डी इक्वल टू अपने पास बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी है सर अपने पास में, जीरो माइनस चार, तो जीरो माइनस चार, और यहाँ पे ए की वैल्यू भी टू है और सी की वैल्यू भी टू है, दैट इज इक्वल टू कितना हो गया भाई माइनस सिक्सटीन जो कि लेस देन जीरो है। तो कंडीशन क्या बन गई, डी लेस देन भी जीरो है, ए इक्वल टू सी भी है और बी इक्वल टू जीरो है, इसका मतलब ये क्या होगा, ये एक सर्किल होगा, वृत्त का समीकरण है ये। तो गिवन इक्वेशन इज द इक्वेशन ऑफ सर्किल। चलिए अगला क्वेश्चन उठाते हैं, अगला क्वेश्चन आप लोग बताइए कौन सा समीकरण है। समीकरण आपके सामने लिख रहा हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वाई माइनस वन इक्वल टू जीरो। बताइए किस चीज़ को रिप्रेजेंट करेगा, ये किस, हाँ जी सर बिल्कुल सही, ए की वैल्यू यहाँ पर वन है, बी की वैल्यू भी वन है और सी की वैल्यू भी वन है। तो सबसे पहले हम डी निकालते हैं, तो डी इक्वल टू बी का स्क्वायर वन माइनस फोर इंटू वन इंटू वन, दैट इज इक्वल टू माइनस थ्री, मतलब लेस देन जीरो। अब डी, अगर डी की वैल्यू नेगेटिव में आती तो दो केसेस होते हैं, या तो एलिप्स बनेगा सर्कल बनेगा। तो सर्कल के लिए अपने पास मैंने कंडीशन बताई थी कि जो कोफिशेंट है ये जीरो होना चाहिए, मगर यहाँ पर बी जो है वो जीरो के इक्वल नहीं है, तो डी लेस देन जीरो तो है और बी जीरो के इक्वल नहीं है, इसका मतलब ये बन जाएगा एलिप्स। तो गिवन सिचुएशन में हमारा जो इक्वेशन होगा वो एलिप्स को रिप्रेजेंट करेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, तो ये ट्रिक बहुत बढ़िया वाली ट्रिक है जो आपको मैंने बता दी है, ठीक है। नीरज सर आपकी नॉइज़ थोड़ी सी करकराहट है, ऑफ कर लीजिए माइक, म्यूट कर लीजिए। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऑन कर लीजिएगा जब आप लोग रिप्लाई करेंगे। क्वेश्चन है इफ़ ए बी सी आर इन एच पी, इफ़ ए कॉमा बी कॉमा सी ये जो हैं हार्मोनिक प्रोग्रेशन में हैं, तो आपको बताना है कि ए माइनस बी बाई टू कॉमा बी बाई टू कॉमा सी माइनस बी बाई टू जो होगा वो किस में होगा, आर इन, कंडीशन वही है ए पी जी पी एच पी, ओके। तो बताइए किस प्रोग्रेशन में होंगे ये चीज़ें, अगर ए बी सी एच पी में है। तो मैं कहूँगा आप लोग शॉर्ट ट्रिक से जाइए इस क्वेश्चन को सर, वो शॉर्ट मेथड लगा देंगे ना सर, बिल्कुल ए पी के लिए लेते हैं वन टू थ्री लगा के बताइए, जी पी के लिए टू फोर, बिल्कुल हाँ, वो वाला शॉर्ट ट्रिक लगा देंगे एच पी वाला। एग्जैक्टली राहुल सर बताइए कैसे करेंगे, एच पी के लिए थ्री नंबर लेते हैं ना सर, बिल्कुल सही सर। चलिए ए बी सी देखिए सर, ए पी के लिए होता है वन टू थ्री, तो एच पी इसका उल्टा हुआ करता है, तो वन अपॉन वन, ओके, वन अपॉन टू एंड वन अपॉन थ्री, वन अपॉन थ्री ये नंबर हमारे पास हो जाएंगे, वन अपॉन वन जीपी में होगा सर, तो वन अपॉन वन, वन अपॉन टू, वन अपॉन थ्री, हाँ सर देखते हैं। तो ए माइनस बी बाई टू यानी वन, ए बी सी एच पी में है तो वन माइनस वन बाई टू यानी कि वन बाई फोर हो जाएगा, ओके। तो वन बाई फोर ये कितना निकल करके आएगा, ये प्रोड्यूस करेगा थ्री बाई फोर, देन इसके बाद बी बाई टू यानी कि वन बाई टू का हाफ यानी वन बाई फोर ही हो जाएगा, एंड सी माइनस बी बाई टू यानी वन अपॉन थ्री माइनस वन अपॉन फोर, तो ये कितना हो गया भाई आपके पास, ये हो गया वन बाई ट्वेल्व, ओके। तो अब हम देखते हैं क्या इन दोनों का प्रोडक्ट इसके स्क्वायर के बराबर है, तो वन बाई फोर का स्क्वायर जो है क्या ये इक्वल है थ्री बाई फोर इंटू वन बाई ट्वेल्व के, तो ये कैंसिल हो गया, बिल्कुल सही, वन बाई सिक्सटीन इक्वल टू वन बाई सिक्सटीन, इसका मतलब ये जो तीन टर्म्स हमको दिए गए हैं ये जी पी फॉर्म करेंगे। युवराज बाहर का लाइट चला दो, बहुत बहुत कीड़े आ रहे हैं। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन करते हैं। चलिए अगली, मैं आपको बहुत बढ़िया वाली शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं, आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर की शॉर्ट ट्रिक लिखिए, इसमें कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर,
कॉम्प्लेक्स नंबर की शॉर्ट ट्रिक है, अगर आपके पास में जेड प्लस जेड वन, ओके, जेड प्लस जेड वन इज लेस देन और इक्वल टू ए, इस तरीके की स्ट्रक्चर बन रही है, जेड प्लस जेड वन इज लेस देन और इक्वल टू ए, ओके, या इसको ये कह लो, इससे मोर बेटर, जेड प्लस ए लेस देन और इक्वल टू बी, ये स्ट्रक्चर बन रही है। और आपसे कहा गया है कि आपको बताना है मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू किसकी, जेड प्लस वन की। तो जेड प्लस वन का अधिकतम और न्यूनतम मान क्या होगा, जेड प्लस वन का अधिकतम और न्यूनतम मान क्या होगा। तो जेड प्लस वन का अधिकतम और न्यूनतम मान आप नोट कर लीजिए, अधिकतम मान होता है ए प्लस बी माइनस सी, और न्यूनतम मान होता है माइनस ए प्लस बी प्लस सी। बहुत आराम से करिएगा इसको याद, अच्छे से नोट कीजिए, ए प्लस बी माइनस सी अधिकतम मान और माइनस ए प्लस बी प्लस सी इसका न्यूनतम मान होगा। एक एग्जांपल कर लेते हैं इसको क्वेश्चन के, तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। सर क्वेश्चन में वन की जगह पे सी होगा, देयर शुड बी सी सर। क्वेश्चन में वन की जगह पे सी होगा, जेड प्लस सी का, हाँ जी, यहाँ पे वन की जगह सी होगा, एग्जैक्टली यहाँ पे वन की जगह सी होगा। ये मैंने पर्टिकुलर क्वेश्चन उठा लिया था इसलिए गलती हो गई। तो यहाँ पे आपको इसका, यदि आपको मान चाहिए है जेड प्लस सी के मॉड का, तो आपके पास होगा ए प्लस बी माइनस सी एंड माइनस ए प्लस बी प्लस सी। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं, आपके पास क्वेश्चन है, आइडेंटिटी दी गई है जेड प्लस फोर, जेड प्लस फोर लेस देन और इक्वल टू थ्री है, तो आपको बताना है कि जेड प्लस वन का अधिकतम और न्यूनतम मान क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए, इसको मैं ए का नाम देता हूँ इस तरीके से, इसको मैं बी का नाम देता हूँ और इसको मैं सी का नाम देता हूँ, ठीक है ना, ए बी सी। तो चलिए मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, मैक्सिमम में होता है ए प्लस बी माइनस का सी। तो ए है फोर, बी है थ्री और सी है वन, तो कितना हो गया सिक्स। और मिनिमम क्या बताइए अपन ने, माइनस ए प्लस का बी और प्लस का सी, माइनस ए प्लस का बी प्लस का सी, तो माइनस का फोर, प्लस का बी है प्लस का थ्री और प्लस का सी कितना है प्लस का वन, तो आंसर ज़ीरो। तो इस तरीके से जेड प्लस वन का जो मान होगा, रेंज बनेगी, वो कितनी बन जाएगी, जीरो टू सिक्स, ठीक है। तो आप लोग सीधे सीधे इसका फॉर्मूला ये भी बना सकते हैं, इसको इस तरीके से भी रटा जा सकता है कि जेड प्लस सी का जो मान है वो कितना होगा, ए प्लस बी माइनस सी से लेके माइनस ए प्लस बी प्लस सी तक होगा। इसको ऐसे नोट कर लीजिए, इसको ऐसे नोट कर लीजिए, इस तरीके से ये वेरी करेगा, ठीक है सर, क्लियर है। यस सर। सर हाँ, इसलिए सर टीजीटी में एक क्वेश्चन आया था, ऐसा ही क्वेश्चन था उसमें, लेकिन इनइक्वलिटी नहीं थी उसमें, सीधे सीधे क्वेश्चन था, मॉड जेड प्लस वन प्लस मॉड जेड माइनस टू का मिनिमम वैल्यू पूछा था, मॉड जेड प्लस वन वन प्लस, हाँ, मॉड जेड माइनस टू की मिनिमम वैल्यू, मॉड जेड माइनस टू की मिनिमम वैल्यू जी, इसकी मिनिमम वैल्यू, मॉड जेड प्लस वन और मॉड जेड माइनस टू की मिनिमम वैल्यू, इसके इक्वल में कुछ नहीं था सर यहाँ पे। जी सर कुछ नहीं था, क्वेश्चन था फॉर एनी कॉम्प्लेक्स नंबर जेड द मिनिमम वैल्यू ऑफ मॉड जेड प्लस वन प्लस मॉड जेड माइनस टू इज, सूरज सर बताइए, हाँ, ऑप्शन माइनस वन वन टू थ्री, ऑप्शन है माइनस वन, दूसरा है वन वन टू टू और थ्री। चलिए तो कंडीशन आपके पास दी गई है मॉड ऑफ जेड माइनस वन था ना यहाँ पे सर, प्लस वन था, प्लस वन था माइनस, हाँ सर यहाँ पर प्लस वन था, प्लस वन प्लस मॉड ऑफ जेड माइनस टू,
तो भैया इसकी मिनिमम वैल्यू मतलब आपके पास जो पॉइंट दिए गए हैं ये जेड माइनस माइनस वन है, म्यूट कर लीजिए सर प्लीज़, और ये है अपने पास जेड माइनस टू। मतलब कुल मिलाकर के हमारे पास दो बिंदु दिए गए हैं, एक माइनस वन कॉमा टू है, एक पॉइंट है सर अपने पास माइनस वन कॉमा जीरो सूरज सर, हाँ हाँ सर, और एक पॉइंट अपने पास है टू कॉमा जीरो, है ना सर। और हमको बताना है कि हमारे पास जो है ऐसा बिंदु कोई लेना है जिससे दूरी का योग न्यूनतम हो। तो यहाँ पर हम कोई पॉइंट ले लेते हैं एक्स कॉमा वाई, और जिससे ये दूरी कहलाएगी भैया मॉड ऑफ जेड माइनस वन, और ये, और कह रहा है इससे दूरी का योग जो होगा न्यूनतम होगा, इससे दूरी का योग हमको न्यूनतम निकालना है। तो सर यदि इसको मैं अभी राइट नाउ मैं इसको उससे कर सकता हूँ सर, अपना जो मैक्सिमा मिनिमा वाला कंसेप्ट होता है उससे किया जा सकता है। सूरज सर और कोई ट्रिक है क्या इसका करने का? सर इसका ट्रिकी है प्रोसेसर, लेकिन अभी थोड़ा मुझे याद नहीं आ रहा है सर। एक संभावना ये है कि ये बिंदु न्यूनतम दूरी के लिए जो है इनके मिलान बिंदु पर स्थित किया जा सकता है जेड की वैल्यू, है ना। ये पक्का है कि ये जो बिंदु होगा, ये जो बिंदु होगा सर, ये मगर जेड प्लस वन प्लस जेड माइनस टू इक्वल टू कॉन्स्टेंट यदि बनता तो ये एलिप्स बन जाता। सर इसको अभी नहीं बता पा रहे हैं, इसको हम लोग करके बता देंगे, ठीक है सर। ओके सर, कोई दिक्कत नहीं सर। ठीक सर, ये आपने आपने ये वाला टॉपिक उठाया वाला टेक का, हाँ, तो इसलिए मैंने पूछ लिया तुरंत क्वेश्चन की, ये वाला क्वेश्चन कई दिन से मेरे दिमाग में था, सर से पूछूंगा, आपने उठा लिया क्वेश्चन, मैंने पूछ लिया आपसे। ठीक है सर, ठीक है सर, इसको सर इसका जो ओके सर फोटो लेकर के आप ग्रुप में भी डाल दो, इसको कर देते हैं अपन सॉल्व, कोई दिक्कत नहीं सर जी। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में मैं आपको फिर से ट्रिक बता रहा हूँ कि क्वेश्चन लिखिए, पहले क्वेश्चन लिखा दूँ फिर ट्रिक बताता हूँ। द पॉइंट जेड, लिखिए द पॉइंट जेड ऑन अ कॉम्प्लेक्स प्लेन, द पॉइंट जेड ऑन अ कॉम्प्लेक्स प्लेन सेटिस्फाई मॉड ऑफ जेड माइनस वन प्लस मॉड ऑफ जेड प्लस वन इक्वल टू फोर, इक्वल टू फोर, ओके इक्वल टू फोर, देन द लोकस ऑफ जेड। तो आपको कह रहा है कि अगर कोई बिंदु किसी कॉम्प्लेक्स तल में इस प्रकार घूम रहा है कि जेड माइनस वन और जेड प्लस वन फोर के इक्वल है, तो आपको बताना है कि ये जो होगा इसका लोकस क्या होगा, ठीक है, इसका जो लोकस होगा क्या होगा। तो देखिए इसके लिए शॉर्ट ट्रिक लिखिए, शॉर्ट ट्रिक क्या है, अगर आपके पास कोई इक्वेशन इस टाइप की हो, मॉड ऑफ जेड माइनस जेड वन प्लस मॉड ऑफ जेड प्लस जेड वन, ओके मॉड ऑफ जेड माइनस जेड वन और मॉड ऑफ जेड प्लस जेड वन, एक सेकेंड, इक्वल्स टू के, ये जेड टू ले लीजिए इसको आप, इक्वल्स टू के, मॉड ऑफ जेड माइनस जेड वन प्लस एंड मॉड ऑफ जेड माइनस जेड वन एंड मॉड ऑफ जेड माइनस जेड टू इक्वल टू के, यहाँ पे माइनस लगाइए, मॉड ऑफ जेड माइनस जेड टू इक्वल टू के, और यदि जेड वन माइनस जेड टू के बीच की दूरी, दो चीज़ें हो सकती है खुद इन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस, एक कंडीशन है कि ये के इक्वल आ जाए, और दूसरा जेड वन माइनस जेड टू के इक्वल ना आए। तो अगर के इक्वल ना आए तो ये एलिप्स को शो करेगा, और अगर के इक्वल आ गया तो ये जो अपने पास में लोकस है ये स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग जेड वन एंड जेड टू को शो करेगा। तो दो कंडीशन है अपने पास में,
या तो के इक्वल आ गया तो ऐसा है, और यदि के इक्वल नहीं है तो एलिप्स। तो फिलहाल देखते हैं हमारे पास जेड वन माइनस जेड टू, तो देखिए जेड माइनस जेड वन है तो यहाँ पे जेड वन की वैल्यू कितनी मिल रही है, वन मिल रही है, और जेड टू की वैल्यू क्या मिल रही है भैया, जेड टू की वैल्यू मिल रही है अपन के पास माइनस वन। तो यदि मैं जेड वन माइनस जेड टू का मॉड निकालता हूँ, अगर मैं जेड वन माइनस जेड टू का मॉड निकालता हूँ, तो देखिए जेड वन यानी कि वन और माइनस माइनस वन यानी कितना आ गया भाई साहब, ये टू आ गया, और टू जो है के इक्वल नहीं है, मतलब फोर फोर दिया यहाँ पे इस क्वेश्चन में, टू इज़ नॉट इक्वल टू फोर, तो ये किसको शो करेगा, ये एलिप्स को शो करेगा, नोट कर लीजिए, तो ये एलिप्स को शो करेगा। ओके तो ये एलिप्स की कंडीशन हो गई, समझ में आ गया सभी को, एक बार हाँ बोल दें, समझ में आ गया तो। हाँ सर समझ में आ गया। ओके अगला इसको नोट कर लिया, आगे चलते हैं। देखिए अभी मैंने आपको किसकी कंडीशन बताई थी, अभी मैंने आपको बताई कंडीशन एलिप्स की, अब दूसरा लिखिए हाइपरबोला की। तो ये एक्चुअली जो कंडीशन है ना मिलती जुलती है, आपने पढ़ा होगा एलिप्स हाइपरबोला। तो एलिप्स में क्या पढ़ा था आपने कि अगर कोई एलिप्स का कोई पॉइंट है ये P है, तो दो फिक्स बिंदु होते हैं फोकस F1 और F2, तो PF1 प्लस PF2 इक्वल टू होता है 2A, है ना? यस। तो ये जो होता है तो यहाँ पे वही लग गया है, और हाइपरबोला में यही चीज़ यहाँ पे क्या हो जाती थी, माइनस। तो अगली ट्रिक में भी प्लस की जगह माइनस हो जाना है, तो जहाँ पे ट्रिक है वहाँ पे माइनस कर देंगे अगली ट्रिक में। तो अगली ट्रिक लिखिए, अगली ट्रिक है कि अगर जेड माइनस जेड वन माइनस जेड माइनस जेड टू इक्वल टू कांस्टेंट है, दो निश्चित बिंदुओं से कॉम्प्लेक्स नंबर की दूरी का अंतर एक नियतांक है, एक नियतांक है। अब ये जो नियतांक है इसकी दो सिचुएशन है, क्या ये जेड वन माइनस जेड टू के इक्वल है या नियतांक जेड वन माइनस जेड टू के इक्वल नहीं है। अगर नियतांक जेड वन माइनस जेड टू के इक्वल आ गया, इसका मतलब जो बिंदु होगा वो सरल रेखा पे बैठा बने होगा, और जो लोकस बनेगा, जो बिंदु पथ बनेगा वो क्या बनेगा, सरल रेखा बनेगा। और अगर के जेड वन माइनस जेड टू के इक्वल नहीं है तो ये क्या बनेगा भैया, ये अति परवलय या हाइपरबोला कहलाएगा, ये अति परवलय कहलाएगा या हाइपरबोला कहलाएगा। ओके तो चलिए देख लेते हैं। सर लोकेश सर, हाँ सर, इसमें भी सर दो केस हो जाएगा, जब ये जेड वन माइनस जेड टू के बराबर नहीं होगा, हाँ, तो एक केस बनेगा, या तो ये ग्रेटर देन के होगा और या तो ये लेस देन के होगा। जब ये ग्रेटर देन के होगा, ग्रेटर देन के पे हाइपरबोला बन जाएगा, और लेस देन के होगा तो ये इम्पटी सेट को डिनोट कर जाएगा, उसमें मतलब कुछ भी नहीं आएगा। अच्छा 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 ठीक है सर। हाँ, तो हाँ, यहाँ पर यदि के का मान जो है ग्रेटर देन वन माइनस जेड टू, अगर हाँ, तो ये अति परवलय होगा, है ना सर? नहीं नहीं सर, ग्रेटर देन वन नहीं सर, हाँ, जेड वन माइनस जेड टू ग्रेटर देन के अगर हुआ तो, जेड वन माइनस जेड टू अगर ग्रेटर देन के हुआ तो ये अति परवलय को डिनोट करेगा, ये कह रहे हैं सर? हाँ, ओके, तब ये हाइपरबोला। ओके, अगर जेड वन माइनस जेड टू का मान जो है तो ये एम्प्टी सेट बन जाएगा। हाँ, तो एम्प्टी सेट को डिनोट करेगा। चलिए कितनी बहुत बढ़िया जानकारी दी सर ने यहाँ पे। चलिए हाँ, तो देखते हैं इसको आगे करते हैं। चलिए हाँ हाँ, अरे ऊपर वाली जो कंडीशन, यस सर, सर हाँ सर बोलिए सर। हाँ सर, कह रहे हैं ऐसे, देखिए ये ग्रेटर देन पर हाइपरबोला शो कर रहा है, इसके ऊपर जो कंडीशन बताएं वो लेस देन पे इलिप्स शो कर रहा है, हाँ, और हाँ, वो ग्रेटर देन पर इम्पटी सेट शो करेगा। अच्छा 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 ठीक है सर, तो उसको भी मेंशन कर देते हैं, एलिप्स की कंडीशन भी अपन यहाँ पे मेंशन किए देते हैं जी। जो हमने यहाँ पे कहा है कि भैया जेड वन माइनस जेड टू इज नॉट इक्वल टू के पर ये एलिप्स आएगा, तो इसमें दो केस बनते हैं, जेड वन माइनस जेड टू जो है ग्रेटर देन के और जेड वन माइनस जेड टू अगर लेस देन के है, लेस देन के, तो लेस देन के पे क्या शो करेगा सर, लेस देन के पे क्या शो करेगा सर, एलिप्स को।
इलिप्स इलिप्स हो गया, इलिप्स हो जाएगा। ओके इलिप्स इलिप्स। हाँ हाँ सर, ठीक है। तो यहाँ पर जेड वन माइनस जेड टू अपना टू आया था, कम था जो, है ना सर? और उसमें एम्प्टी सेट हो हाँ, तो जाएगा। ये और इसमें एम्प्टी सेट हो जाएगा। ठीक है सर, चलिए। हाँ हाँ सर बिल्कुल ओके सर, अगले प्रश्न की तरफ जी, चलते हैं। एक बार इसको फिर से बता दें क्या जो बोले हैं सर। सर ने ये कहा है सर, जो एलिप्स के लिए बताया अपन ने, जो अपन ने कंडीशन पढ़ी है कि जेड वन माइनस जेड टू, सॉरी नॉट इक्वल टू के, एक मिनट कंडीशन बता दूं, जेड माइनस जेड वन प्लस जेड माइनस जेड माइनस जेड टू इक्वल टू के, ठीक है ना? इक्वल टू के है। अब इसमें आप क्या करेंगे, दोनों बिंदु के बीच की दूरी निकालेंगे, जेड वन माइनस जेड टू इक्वल टू के। अब इक्वल टू के नहीं आया तो है कंडी, तो इक्वल टू के नहीं आया तो दो केस बनेंगे कि जेड वन माइनस जेड टू का मॉड के से बड़ा है या जेड वन माइनस जेड टू के से छोटा है। तो अगर के से छोटा है तो भैया ये एलिप्स बनेगा, और अगर ये के से बड़ा है तो कुछ नहीं बनेगा, मतलब एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट। इसी तरीके से दीर्घवृत्त के लिए जो कंडीशन है वो है जेड माइनस जेड वन माइनस जेड माइनस जेड टू इक्वल टू के है। अब यहाँ पे जेड वन माइनस जेड टू निकाला, और अगर वो के इक्वल नहीं आएगा तो दो परिस्थितियाँ हैं कि जेड वन माइनस जेड टू जो है वो के से बड़ा है या जेड वन माइनस जेड टू के से छोटा है। तो अगर के से बड़ा है भैया तो ये हाइपरबोला बनेगा, और अगर के से छोटा है तो ये एम्प्टी सेट यानी कुछ नहीं बनेगा। ठीक है सर, ठीक ठीक ठीक। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन अपने पास में है कि जेड प्लस टू प्लस माइनस जेड माइनस टू ओके इक्वल टू थ्री है। तो आपको बताना है कि यहाँ पे ये इसका लोकस क्या होगा। तो देखिए बीच में माइनस है, तो ये देख करके लगा कि हाइपरबोला होगा। अब देखते हैं दोनों को, जेड वन माइनस जेड टू, ठीक ना? तो जेड वन अपने पास कितना है, माइनस टू है, और जेड टू अपने पास कितना है, टू है। तो भैया ये अपने पास कितना आ गया, फोर, मतलब दिस इज़ नॉट इक्वल टू थ्री। और जैसा सर ने बताया कि जेड वन माइनस जेड टू का जो मॉड आ रहा है वो के से बड़ा आ रहा है, इसका मतलब ये क्या होगा भैया, अति पर वाला है। ठीक है मित्रों, तो ये क्या होगा, अति पर वाला है। अरे गिर जाओगी। हाँ सर बताइए। तो इस तरीके से ये अति परवलय होगा, मतलब ये हाइपरबोला होगा। चलिए एक और क्वेश्चन कर देते हैं। और मैंने आपको ये भी बताया था, एक सर्किल वाली कंडीशन में आपको बता देता हूँ कि सर्किल वाली कंडीशन में अपने पास में सर्किल वाली कंडीशन क्या थी। सर्किल वाली कंडीशन नोट कर लीजिए कि जेड माइनस जेड वन और जेड माइनस जेड टू इज इक्वल टू के, और जहाँ पर के की वैल्यू वन के इक्वल नहीं होनी चाहिए, याद रखिएगा। अगर के वन के इक्वल आ जाएगा तो फिर सर्किल नहीं बनेगा। तो जेड माइनस जेड वन और जेड माइनस जेड टू जो है वो के इक्वल नहीं होना चाहिए, तब ये आपके पास सर्किल बनेगा। और अगर के इक्वल आ गया तो फिर सर्किल नहीं बनेगा, फिर बन जाएगी सरल रेखा टाइप का, ठीक है ना? क्लियर है? फिर कुछ और भी बन सकता है, मतलब ये नहीं कि जरूरी नहीं कि सरल रेखा बन जाएगी। के की वैल्यू वन के इक्वल नहीं होगा तो सर्कल बनेगा, और बाकी फिर कटेगा कुटेगा, और शायद सरल रेखा ही बनेगी, स्ट्रेट लाइन टाइप की बनेगी, क्योंकि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर लेस देन वन होगा भी नहीं सर। क्या सर? अगर सर ये निगेटिव है के, हाँ तो फिर ये इम्पॉसिबल है, क्योंकि दो चीजों का दूरी का जो अनुपात है वो निगेटिव नहीं होगा, इसको भी ध्यान देना है। हाँ बिल्कुल सही सर। और के की हाँ, वैल्यू के जो है यहाँ पे दो चीज की दूरी का अनुपात निगेटिव नहीं हो सकता है, तो के कैन नेवर बी लेस देन वन, ना जीरो, जीरो सॉरी सर, जीरो, के जीरो से छोटा नहीं हो सकता। चलिए इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन देता हूँ, आज का लास्ट क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन आया हुआ है कि आपके पास कोई है समीकरण 2z माइनस आई अपॉन जेड प्लस आई, ये है इक्वल टू एम। आपको कह रहा है ये अगर वृत्त को दिखाता है, ये जो समीकरण है ये वृत्त को शो करता है,
वृत्त को प्रदर्शित करेगा तो बताइए m का मान क्या होगा। तो अगर वृत्त को ये प्रदर्शित करेगा तो आपको बताना है कि m का मान क्या होगा। चलिए देखिए, तो सबसे पहले मेरे को इसको z-z1, z-z2 की फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो मैंने 2 ऊपर से कॉमन ले लिया, तो 2 ऊपर से कॉमन लिया तो z-i/2 बन गया और ये z+i बन गया। अब कोई दिक्कत नहीं है, इक्वल टू m। तो यहाँ से z-i/2 और z+i ये बन गया पूरा का पूरा और ये हो गया m/2। और हमने आपको बताया था कि वृत्त के रिप्रेजेंट करने के लिए ये जो यहाँ पे नियतांक आ रहा है m/2, ये कभी नेगेटिव नहीं होना चाहिए, कभी वन के इक्वल नहीं होना चाहिए, इज़ नेवर इक्वल टू वन। तो आंसर होगा m इज़ नॉट इक्वल टू 2। नोट कर लीजिए, तो इसका करेक्ट आंसर है m इज़ नॉट इक्वल टू 2। चलिए तो ठीक है, आज की क्लास यहीं पर फिर फाइनलाइज़ करते हैं, ख़त्म करते हैं। अब कल मिलेंगे कुछ और नए क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। सभी को बहुत बहुत नमस्कार। नमस्कार सर, गुड नाइट। गुड नाइट सर।